मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर इतनी खूबसूरत है कि आप बस देखते ही रह जाएंगे और जमकर उनकी सुंदरता की तारीफ करेंगे। मिस इंडिया मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है और अपने डॉक्टर माता पिता के साथ देश का सिर फख्र से ऊंचा कर दिया है। 14 मई 1997 को जन्मी हरियाणा की छोरी मानुषी छिल्लर ने जून 2017 में मिस इंडिया का खिताब जीता है। मानुषी 1966 में पहली बार मिस वर्ल्ड बनी। रीता फायर को अपना आदर्श मानती हैं। रीता फायरिया के बाद साल 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हेडन, 1999 में तमुखी और साल 2002 में प्रियंका चोपड़ा ने यह खिताब अपने नाम किया। अब 17 साल बाद मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड 2017 बनी है। मानुषी छिल्लर रोहतक की कमलवासी डॉक्टर मित्र वसु छिल्लर की बेटी है। उनकी मां नीलम दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो केमिस्ट्री की हेड हैं। मानुषी ने दिल्ली के सेंट थॉमस स्कूल और सोनीपत के भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वीमेन से पढ़ाई की है। मानुषी को डांस, सिंगिंग, कविता लिखने और चित्रकारी का शौक है। मानुषी चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई कर रही है। वही उनकी बहन वकालत में अध्ययनरत है और उनका छोटा भाई अभी स्कूल में है। मानुषी शुरू से ही पढ़ाई के साथ सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद भी मानुषी अपनी खूबसूरती के दम पर एक सुपर मॉडल बन गई। मानुषी मिस हरियाणा में भी रह चुकी हैं। जून 2017 में मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद मानुषी छिल्लर पहली बार अपने गांव पहुंची थी तो उन्होंने बताया था कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के लिए वह MBBS का एक साल ड्रॉप कर रही हैं और उन्होंने यह भी कहा कि प्रतियोगिता पूरी होने के बाद वह इसे पूरा करेंगी। मानुषी में कुछ कर गुजरने का जज्बा इतना था कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया और माँ बाप ने भी इसमें उनका साथ दिया। वैसे भी मॉडलिंग और ग्लैमर की दुनिया उनका पहला शौक है। MBBS पूरी करके वह बहुत से ऐसे काम करना चाहती हैं जो महिलाओं के हित में हो। मानुषी ने कहा, कुछ भी करने की कोई सीमा नहीं होती। मानुषी यह खिताब जीतने वाली 30 भारतीय सुंदरी हैं। मेडिकल स्टूडेंट मानुषी हेड चैनल और ब्यूटी विद प्रोफेसर सेगमेंट दोनों में अव्वल रही। उनसे अंतिम सवाल यह पूछा गया था कि दुनिया में किस पेशे की सैलरी सबसे ज्यादा होनी चाहिए और क्यों। ये थी SM News की रिपोर्ट।